विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव ने एक बार फिर से सतनामी समाज के प्रतीक चिन्ह और आस्था के साथ खिलवाड़ किया। कल जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई तो उन्होंने समाज के सादे झंडे को गलत तरीके से लहरा दिया और समाज को अपमानित किया। इससे पहले भी उन्होंने ब्रदर बाजार में सामाजिक कार्यक्रम में समाज को भड़काने का काम किया। वही गुरु खुशवंत साहेब ने यह भी कहा कि एक तरफ कांग्रेस संविधान की बात करती है, दूसरी ओर संविधान और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने समर्थकों ने केंद्रीय जेल में बर्ताव किया वो उचित नहीं है। आपने कल की घटना को देखा है कि किस प्रकार हमारे सतनामी समाज का जो आस्था का जो झंडा है, सादा झंडा जिसको हम शांति का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, हमारे सत्य और अहिंसा का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, और जिसको पूरा करोड़ों सतनामी समाज जो पूरे देश में निवास करते हैं वो उस सादा झंडे की पूजा करते हैं, जिसको किस प्रकार अपमानित करते हुए, उस सादे झंडे का अपमान करते हुए, सतनामी समाज के आस्था का अपमान करते हुए किस प्रकार झंडा को लहराते हुए आपने देखा है देवेंद्र यादव जी को, जब उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाले गए थे तो किस प्रकार से वो बहुत ही गलत ढंग से हमारे झंडे को लहरा रहे थे। और साथ ही एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने उस झंडे को, सादे झंडे को जिसका हम पूजा करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, वो इतना पवित्र झंडा है जिसको हम सब बहुत ही अच्छे से मानते हैं, उसको जमीन पे अपने पैर के पास रखने का काम किया। इस तरीके के सतनामी समाज के आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया। आज सतनामी समाज अपने आप को बहुत ही ज्यादा आहत महसूस कर रहा है और आज उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो एक हाथ में सादा झंडा जिसका अपमान कर रहे हैं और संविधान की बुक लेकर चल रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान का पालन भी नहीं कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन उनको बुला रही है कि आप आइए और अपना बयान दीजिए तो बयान देने के लिए उनके पास समय नहीं है।